जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आप दर्शकों के बहुत सारे ईमेल, बहुत सारे फोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस और वीडियो पे कमेंट्स मुझे मिले, जिसमें आप लोगों ने मुझसे ये आग्रह किया था कि आपको नौकरी में प्रमोशन के, नौकरी में तरक्की के उपाय बताए जाएं। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी बात कही कि भाई, मेरा ट्रांसफ़र मेरी इच्छा के बगैर हो रहा है, मुझे उस जगह पर नहीं जाना है, तो मेरा ट्रांसफ़र रुकवाने का उपाय भी आप बताएं। तो जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, ये सूर्य देवता से संबंधित उपाय है। इसका सबसे पहला काम है आपको नौकरी में तरक्की दिलाना, यानी आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट दिलाना। उसके बाद जब आपकी कुंडली का सूर्य ठीक हो जाएगा इस उपाय को करने से, तो जो लोग नौकरी पेशा हैं और जिनकी उनकी इच्छा के बिना ट्रांसफर किया जा रहा है, उनकी इच्छा के बिना उनका स्थानांतरण हो रहा है, उस काम में भी इस उपाय को करने से फायदा होगा, क्योंकि सूर्य मजबूत होगा तो वो आपके पक्ष में काम करने लगेगा। जो अभी तक आपके लिए अशुभ था तो वो आपको अशुभ प्रभाव दे रहा था, तो वो आपके बॉसेस को, सीनियर्स को इस तरीके से प्रभावित करेगा कि अचानक रातों रात उनका मन बदल जाएगा और आपका ट्रांसफर वो रोक देंगे या आपकी मनचाही जगह पर दे देंगे। तो आइए जानते हैं क्या है वो उपाय। रविवार का दिन सूर्य देवता की पूजा का दिन माना जाता है। अगर पूरे साल रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा करें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम माघ के महीने में पड़ने वाले प्रत्येक रविवार को सूर्य देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माघ माह में सूर्य देवता की पूजा करने से अनुकूलता प्राप्त होती है, यानी सूर्य देवता की कृपा मिलती है। पूरे महीने में कम से कम 4 और अधिक से अधिक 5 रविवार पड़ेगा, तो पूरे साल में अगर आप अधिक से अधिक 5 बार सूर्य देवता की पूजा कर लेते हैं तो यूं समझ लीजिए कि पूरे साल आपको जो है नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। आपकी प्रमोशन, आपके इंक्रीमेंट, इस तरीके की चीज़ें कभी रोकी नहीं जाएंगी और आपकी इच्छा के बगैर, मनमर्जी के बगैर आपको कभी कोई ट्रांसफ़र कहीं कर नहीं सकता। आपको करना यह है कि माघ में पड़ने वाले हर रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके तांबे के बर्तन में जल भर करके इसमें गुड़, अक्षत और एक चुटकी रोली मिला लें। रोली की जगह लाल चंदन का भी प्रयोग किया जा सकता है, लाल चंदन का चूरा। इससे आपको सूर्य देवता को अर्घ देना है। इसके बाद आपको 108 बार ओम वरुणाय नमः मंत्र का जाप करना है। सूर्य देवता को केला और चावल और चावल की खीर समर्पित करनी चाहिए। रविवार के दिन स्वयं भी आप मीठा भोजन ही करें। इस तरीके से 4 रविवार को सूर्य देवता की पूजा करने से सूर्य कुंडली में बलवान होगा और आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सूर्य देवता को बलवान करने के लिए आदित्य हृदय स्त्रोत और गायत्री मंत्र का प्रयोग भी बहुत चमत्कारी होता है। गायत्री मंत्र के जाप के साथ ही सूर्य देवता को जल देने का विधान है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देवता को सरकारी क्षेत्र एवं अधिकारियों का कारक बताया गया है। बलवान सूर्य से आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान, यश कीर्ति बढ़ेगी
और सूर्य बलवान होने से सरकारी क्षेत्र से आपको सफलता मिलने लगेगी। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो जो आपके उच्चाधिकारी आपके सीनियर बॉसेस की तरफ से आपको बार बार प्रॉब्लम मिलती थी, काम में अड़ंगा लगता था, वो समस्या दूर हो जाएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा एवं करियर अर्थात में उन्नति के लिए भी सूर्य देवता की जो पूजा होती है वो जीवन में अनुकूलता लाती है। तो हर प्रकार के लाभ के लिए मान सम्मान की प्राप्ति हो, सामाजिक प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, अपने जॉब में आपको डिजायर्ड पोस्ट की प्राप्ति हो, प्रमोशन चाहिए जो नहीं मिल रहा था, तो ये सब सारी चीज़ें सूर्य देवता की पूजा आराधना करने से होती है। अगर आपकी इच्छा के बिना आपका ट्रांसफर हो रहा है, जिस जगह को आप नहीं जाना चाहते वो भी रुक जाएगा, जिस जगह आप जाना चाहते हैं वहाँ ट्रांसफर भी हो जाएगा, तो जैसा आप चाहेंगे वैसा होगा। सूर्य देवता की कृपा की जरूरत होती है, उनको प्रसन्न करने की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे सुझाव आपको बहुत पसंद आ रहे होंगे। आप सभी से आग्रह है कि आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन सुखमय बना रहे, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।